A bag A contain 4 black and 6 red balls and bag B contains 7 black and 3 red balls. A die is thrown. If 1 or 2 appears on the bag A is chosen and otherwise bag B. If 2 balls are drawn at random without replacement from the selected bag, find the probability of one of them being red and another black. यानी कि वो कह रहा है कि A bag में 4 काली और 6 लाल बॉले हैं और B में 7 काली और 3 लाल बॉले हैं. दो बॉले जो एक डाई को एक पासे को उछाला जाता है, अगर उस पर एक या दो आता है तो बैग ए लिया जाता है और नहीं तो बी लिया जाता है. अब दो बॉलें बिना रिप्लेसमेंट के बिना बदले जो है निकाली गई हैं, तो इसकी क्या संभावना है कि एक लाल और एक काली बॉल आए. तो पी ई वन हुआ सेलेक्टिंग बैग ए और पी ई टू हुआ सेलेक्टिंग बैग बी. अब जो है बैग क्योंकि जो है पासे में 6 नंबर होते हैं और एक और दो जो है आ गए, तो 6 में से हमारे पास 2 नंबर आ गए, तो ये 1 और 2 2 आ गए, तो 2/6 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हुई, यानी कि 1/3 1/3. और जो है बैग दूसरे वाला बी बैग आने की संभावना जो होगी वो बचे हुए 3, 4, 5 या 6 के आने से होगी, जो कि 4 हैं, तो 4/6 हुआ जो कि 2/3 के इक्वल है, यानी कि 2/3 के. तो ये प्रोबेबिलिटी है बैग्स के चुनने की, बैग ए की 1/3 और बैग बी की 2/3. अब ए जो है वो गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल को बताता है, तो ए का मतलब है कि वो एक लाल बॉल होगी और एक काली बॉल होगी. तो इसमें जो है हमारे को जो निकालना है कि पी ए यानी कि एक के ए ओवर इवन जो है वो क्या होगा. पी ए ओवर इवन का मतलब है कि उसमें से जो है आप क्योंकि 4 काली और 6 लाल बॉलें हैं और एक बॉल काली और एक बॉल लाल निकालनी है, तो 4c1 इंटू में 6c1 होगा, 4 में से 1 और 6 में से 1, और टोटल 4 और 6 10 हुई, तो 10 में से 2 बॉलें निकाली गई, तो 10c2 हो गई. तो 4c1 का मतलब है 4 और 6c1 का मतलब है 6 और 10c2 का मतलब है 10 × 9, 2 तक जाएंगे और फिर नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 × 1. तो यहाँ देखिए ये 4 × 6 जो है 24 अपॉन में 1 हो जाएगा और 10 × 9 90 हो गए और 2 × 1 2 हो गए, तो इनको उल्टा कर देंगे, 2 upon 90 हो गया. 2 से 90 को काटेंगे 45, अब 24 को 3 से काटेंगे तो 8 और 45 को काटेंगे तो 15. तो 8/15 जो है ये पी ए ओवर ई वन हो गया. अब पी ए ओवर ई टू निकालना है, तो पी ए ओवर ई टू जो है इसको निकालने के लिए दूसरे बैग में देखेंगे, तो दूसरे बैग में जो है 7 काली और 3 लाल बॉल हैं, तो 7 में से एक लेनी है, तो 7c1 इंटू में 3 में से एक लेनी है, तो उसमें से रेड निकलेगी तो 3c1. अब 7 और 3 10 होते हैं, तो 10 में से 2 लेनी है, तो 10c2 से डिवाइड कर देंगे, तो 7c1 का मतलब 7, 3c1 का मतलब 3 और 10c2 का मतलब 10 × 9 अपॉन में 2 × 1. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 × 3 = 21 अपॉन में 1 और ये हो जाएगा 2 upon 90, क्योंकि 90 upon 2 को उल्टा कर दिया, तो 2 से इसको काटेंगे 1 upon 45, 7 वो 3 से काटेंगे 7 और इधर 15 हो गया, तो 7 upon 15 जो है ए ओवर ई टू हो गया. अब हमारे को जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक लाल और एक काली बॉल आने की. तो यहाँ पर पी ए जो है वो होगा आपका पी ए ओवर ई वन इंटू में पी ई वन और प्लस में पी ए ओवर ई टू इंटू में पी ई टू. तो ये हम जो है इस तरह से इसको लिखेंगे और फिर जो है पी ए ओवर ई वन और पी ई वन और पी ए ओवर ई टू और पी ई टू की वैल्यूज़ इसमें रख देंगे, तो पी ए ओवर ई वन जो है वो 8/15 है और पी ई वन जो है वो देख रहे हैं आप 1/3 है, तो इसकी वैल्यू रखी. और जो है पी ए ओवर ई टू जो है 7/15 है और पी ई वन जो है 2/3 है, तो इसको रखा.
अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 × 1 8 हो गया और 15 × 3 45 हो गया, तो 8/55 हो गया और 7 × 2 14 और 15 × 3 45, तो ये 8 + 14 22 अपॉन में 45, ये जो है इसका आंसर होगा, ये प्रोबेबिलिटी है पी ए की। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।